हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th एंड वी आर डूइंग द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप दीज डेज एंड आर टॉपिक फॉर टुडे इज द रिवॉल्यूशनरीज। कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है तो उसके अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके अंदर रिवॉल्यूशनरीज कौन कौन थे और क्या उनका इफेक्ट पड़ा, उन्होंने किस तरीके से जो नेशनलिज्म है उनमें पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1815 के ईयर्स के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। रिप्रेशन का जो फियर था उसमें बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया गया। फियर ऑफ रिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज जो थी उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स को ट्रेन किया टू रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड दियर आइडियाज़। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज और उनको ट्रेन करने के लिए और उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवॉल्यूशनरी होने के लिए इस समय में एक कमिटमेंट करना था कि मोनार्कियल फॉर्म्स जो हैं, यानी कि सम्राट की जो शक्तियाँ हैं, राजा की जो शक्तियाँ हैं, उसके खिलाफ आपको कमिटमेंट करना होगा। कि आफ्टर द वियना कांग्रेस, जो भी वियना कांग्रेस के बाद जो इस्टेब्लिश होगा एंड द फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो लड़ना होगा तो वो मोनार्कियल रिफॉर्म्स के खिलाफ होगा। मोस्ट ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्रिएशन किया नेशन स्टेट्स का, नेसेसरी पार्ट था जो कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रिवॉल्यूशनरी। इनमें से ऐसे कुछ जो नेशनलिस्ट थे उनमें एक थे गुसेप मैजनी अंडरलाइंडस, जो कि जिनेवा में बॉर्न हुए 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, जो कि इस कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ईयर के होने के साथ साथ ही 24 ईयर के जब ये थे ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, तो इन्हें वनवास में भेज दिया गया, कारावास में भेज दिया गया 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुआरिया। लिगुआरिया में रिवॉल्यूशन करने के अटेम्प्ट करने के जुर्म में ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और इन्होंने कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का भी फाउंडेशन किया। फर्स्ट तो यंग इटली थी जो कि मार्सेल्स में थी, और दूसरी यंग यूरोप इन बर्ने, हुज मेंबर्स आर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, जिसके मेंबर्स बहुत ही एक जैसे विचारों वाले, जो कि बहुत से यंग मैन थे पोलैंड से, फ्रांस से, इटली और बहुत सारे जर्मन स्टेट से। मैजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजनी जो हैं उन्होंने, उनका ऐसा मानना था कि गॉड ने ही ये नेशंस बनाए हैं और नेचुरल यूनिट्स ये मनुष्य का अधिकार है कि उनको कैसे रखना है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इटली इस तरीके से, इस विचार के थ्रू इटली जो था वो स्मॉल स्टेट्स और किंगडम का पैच वर्क का काम नहीं कर पाया, यानी कि स्मॉल स्टेट्स और किंगडम वो नहीं बना पाया उसे एक सिंगल यूनिफाइड, क्योंकि इनका मानना ऐसा था कि ये एक सिंगल यूनिटी है तो किसी को भी हक नहीं बनता कि वो उसे टुकड़ों में डिवाइड करे। तो इसीलिए इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना पड़ा विद अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशन, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज थी। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और यही यूनिफिकेशन इटालियन लिबर्टी यानी इटली की लिबर्टी का यूनिफिकेशन कहलाया। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। अपने मॉडल्स को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो सेटअप की गई जर्मनी में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में। मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, मैजनी का रिलेंटलेस अपोजिशन मोनार्की के खिलाफ, बेचैनी जो थी उनकी मैजनी के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ जो भी उसने स्टार्टअप किया, हिज विजन ऑफ, और उसका सपना था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ज्वाइन करने का, इससे कंजर्वेटिव जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए।
मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक ने उसे यानी मैजनी को मैटरनिक ने सबसे ज़्यादा सबसे खतरनाक दुश्मन सोशल ऑर्डर का यानी सामाजिक नियमों का सबसे खतरनाक दुश्मन उसको कहा। इसको भी अंडरलाइन करें, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एंड नाउ द थर्ड टॉपिक, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के टाइम में जो रिवॉल्यूशन का जो एज था यानी रिवॉल्यूशन जो बना हुआ था। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट दियर पावर, कंजर्वेटिव रिजाइम में एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट दियर पावर, जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजाइम्स ने अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ आए और उन्होंने एसोसिएशन और रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया और एसोसिएट किया। इन मैनी रीजन्स, यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में, जैसे इटालियन रीजन, जर्मन स्टेट्स रीजन और ऑटोमन एम्पायर आयरलैंड एंड पोलैंड के रीजन्स में, यानी जितने भी ऑटोमन एम्पायर की रियासतें थी वहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल एंड नेशनलिस्ट, ये जो रिवॉल्यूशन था, ये रिवॉल्यूशंस लीडरशिप, इन रिवॉल्यूशंस को लीडरशिप किया गया लिबरल्स और नेशनलिस्ट के द्वारा, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप में आगे आए वो थे मिडिल क्लास के एलाइट, यानी कि जो भी हायर जो रिच पीपल थे, अमंग होम वर प्रोफेसर्स, इनके बीच में प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेम्बर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस, कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेम्बर्स थे। फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहला जो अपहीवल आया फ्रांस में वो आया जुलाई 1830 में, द बर्बन किंग्स, और जो बर्बन किंग्स थे हु हैड बीन रीस्टोर्ड, ये अंडरलाइन कर लेना, सबसे पहला जो अपहीवल आया वो कब आया, बर्बन किंग्स जो थे रीस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर द 1815। बर्बन किंग जो कि 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान पावर में आए थे, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने उन्हें बाहर उनके पद से हटा दिया, हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद, जिन्होंने, ये वो रिवॉल्यूशनरीज थे लिबरल रिवॉल्यूशनरीज जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड, उनके लुइस फिलिप जो थे उनके साथ साथ, यानी कि मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया। और मैटरनिक ने एक बार ये कहा, व्हेन फ्रांस स्नीज, कि जब फ्रांस छींकता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप को ठंड लगती है। इसका कहने का मतलब ये था कि जब फ्रांस में कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है या फ्रांस में कोई भी ऐसी बात होती है जिससे वर्ल्ड पे कोई इफेक्ट पड़े, तो पूरे यूरोप को इफेक्ट पड़ता है। तो यानी फ्रांस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर, एक यूनिट है यूरोप की। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन द ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम। जुलाई रिवॉल्यूशन जो था वो स्पार्क हुआ एक अपराइजिंग, जिसका अपराइजिंग हुआ ब्रसेल्स में, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। जो कि किस तरीके से लीडरशिप हुआ उसका, अपराइजिंग हुआ नीदरलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम था नीदरलैंड का, उसको बेल्जियम में, बेल्जियम के अंदर उसको तोड़ करके, यानी कि बेल्जियम से उसको अलग करके। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग, एक ऐसा इवेंट जिसमें मोबिलाइज किया गया नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यूरोप के आसपास जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ग्रीक वॉर भी हुआ इसके आसपास ही, उसमें भी एलाइट लोगों ने, जो एजुकेटेड जो रिच पीपल थे, उन्होंने ही इस इंडिपेंडेंस वॉर को स्टार्ट किया। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था 15th सेंचुरी का। द ग्रोथ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, और नेशनलिज्म इन यूरोप की जो ग्रोथ थी रिवॉल्यूशनरी की, स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821 में ग्रीक की इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई एक स्ट्रगल के बाद। नेशनलिस्ट इन द ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक, नेशनलिस्ट जो थे यानी कि जो क्रांतिकारी, जो रिवॉल्यूशनरीज थे ग्रीक में,
उन्हें अदर ग्रीक का सपोर्ट मिला, लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, यानी कि जिनको पहले ही कारावास दे दिया गया था, और बहुत सारे यूरोपियंस ने उनका साथ दिया जो उनसे सिंपथी रखते थे पुराने ग्रीक कल्चर से. पोइट एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. पोइट्स और आर्टिस्ट ने सभी ग्रीस का जो क्रैडल था यूरोपियन सिविलाइजेशन का, एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ उन्होंने मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ एक अपना पब्लिक ओपिनियन बनाया. इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोइट जो थे लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए. लेटर वेंट टू फाइट एन वार, और उसके बाद वॉर को फाइट किया. वेर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहां पर फीवर से उनकी 1824 में डेथ हो गई. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी हुई 1832 में, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो यहीं से इंडिपेंडेंट नेशन एज ग्रीस जो था वो एज एन इंडिपेंडेंट नेशन पहचाना गया. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो ये जो रोमांचक इमेजिनेशन था और नेशनल फीलिंग जो थी वो किस तरीके की थी वो हम देखते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स. डेवलपमेंट जो है नेशनलिज्म का वो अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर्स के जरिए नहीं आया. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रिएटिंग और आइडिया ऑफ नेशन में, आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में. आर्ट पोइट्री, क्योंकि इन्हीं से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई. स्टोरीज म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, तो शेप दिया उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को, यानी कि ये सब पोइट्री वगैरह की वजह से ही लोगों ने सुना उनको, तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को, देशभक्ति की भावनाएं जागी और नेशनलिस्ट फीलिंग्स आई. लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट. अगर रोमांटिसिज्म की बात करें, जो रोमांचक मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट जो थे जनरली क्रिटिसाइज किया उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को. रीजन उसके और साइंस के, देखिए मैस्कर है, यानी लोग बहुत सारे शहीद हुए इसके लिए उस समय वॉर्स वगैरह में, उसको दिया गया है. एंड द फोकस इंस्टीट ऑफ इमोशंस, उसमें फोकस इमोशंस के, इमोशंस इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स के बजाय फोकस किया गया वॉर पर और अपनी जीत पर. देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट, उनका जो एफर्ट था वो क्या था कि क्रिएट करना, शेयर करना कलेक्टिव हेरिटेज को, एक कॉमन कल्चर पास्ट को, और एक नेशन बनाना इसी आधार पर. अदर जो रोमांटिक्स थे, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड, जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. दास वोक, उन्होंने दास वोक में ऐसा लिखा कि जर्मन कल्चर को डिस्कवर कैसे किया जाए कॉमन पीपल से. दास वोक उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है. इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, और ये फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, इन्हीं के जरिए हम किसी भी कल्चरल जो पर्सन है उसको डिराइव कर सकते हैं. दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज, ट्रू स्पिरिट जो है नेशन की वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो ये रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना फोक कल्चर को, ये नेशन बिल्डिंग का एक फोक, एक नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बन गया, और इसी के थ्रू लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई. The emphasis of vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit. Emphasis करना vernacular languages को, collection करना local folklore को, ये recover करना ancient national spirit. And who were mostly illiterate, ज़्यादातर लोग वही थे, उनको message दिया गया, large audience थी जो illiterate थे, उन्हें audience के through लोगों को बताया जाता था, सुनाया जाता था, जिससे उसके अंदर national की feeling, nation feeling आए. दिस वॉज स्पेशली जैसे कि पोलैंड में विच हैड बीन पार्टीशन, जिसका पार्टीशन हुआ था 18th century के एंड में रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा. इवन तो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इन द इंडिपेंडेंट कंट्री, इवन यहाँ तक कि अब जो पोलैंड था वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बहुत समय तक नहीं रह पाया. नेशनल जो फीलिंग्स थी वो अभी तक जिंदा थी म्यूज़िक और लैंग्वेज के
द्वारा कैरोल कार्पेंस्की। उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ऑपेराज और म्यूजिक के थ्रू, टर्निंग फोक डांसेस और बहुत सारे फोक डांसेस जैसे पॉलिनाइज, माजुर्का, एगेन को नेशनल सिंबल बना दिया गया। तो ये था कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो लोगों के अंदर जागृत हुई और उनको किस तरीके से अवेयर रखा गया। सो लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ने अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।